जनमंच ने समाज को कुपोषण से बचाने का संकल्प भी लिया है। वहीं बाल विकास सेवाएं विभाग के व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाकर पोषक आहार लेने का संदेश भी दिया गया। इसके साथ ही नाल्टी तथा जंगल रोपा की महिलाओं को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन भी वितरित किए गए। जनमंच कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सहजल ने व्यंजनों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें हिमाचल में बनने वाले पौष्टिक व्यंजन तिल वाले आलू, खट्टा कद्दू, कच्ची मक्की का हलवा, पतोड़े, पोहा, सीरा, लौकी की खीर, मक्की की सब्जी, कचौरी, चने की दाल का हलवा शामिल थे। प्रदर्शनी के माध्यम से महिलाएं एवं बच्चों को पोषक आहार के प्रति भी जागरूक किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह का आरंभ भी किया। उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने बाल विकास परियोजना विभाग के माध्यम से मानसी रंजिता परी, समृद्धि महक, प्रगति शर्मा, दीवांशी शिवांशी तथा अलीशा को 10,000 रूपए की FD भी वितरित की। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बाल विकास परियोजना विभाग के माध्यम से दुरूही पंचायत की बीना देवी पत्नी रविंद्र कुमार तथा राकेश चंद गाम बुनाड की 40,000 रूपए की राशि दी गई। तहसील कल्याण कार्यालय हमीरपुर की ओर से संजीव कुमार पुत्र संत राम गाम डुहाना, रीमा देवी पुत्री दलेल चंद गाम डुहाना तथा अमित शर्मा पुत्र पुनुराम गाम प्लासन को व्हील चेयर प्रदान की गई। ये मंच जो है ये नेताओं का मंच नहीं, आपने देखा होगा। ये तय हुआ जब इसकी गाइडलाइंस बन रही थी कि जनमंचों का आयोजन, इसकी प्रक्रिया जो है वो कैसी होगी, क्या होगी, ये तय किया गया कि भाई नेताओं को शॉल टोपी प्रस्तुत नहीं की जाए, बुके नहीं दिए जाएंगे, स्वागत नहीं होगा। स्वागत किसका होगा? स्वागत जो है, जो जिसको बोलते हैं भगवान का दर्शन अगर करना हो तो एक मंदिर में होता, एक अपने अंदर होता है स्वयं से साक्षात्कार के रूप में, और तीसरी विधि है लोगों को ही भगवान मान करके उनकी सेवा में लग जाना। तो ये जनता जो आज यहां पर आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारी माताएं आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, हमारे युवा साथी आए हैं, तो ये मंच जो है वो भगवान की शक्ति जिसको हम बोलते हैं, ईश्वर का स्वरूप जिसको हम बोलते हैं, ये उस जनता का मंच है, ये आपका मंच है।